मालदीप के सरकार आप गया भाड़ में मोहम्मद मोइजू ने बहुत जबरदस्त ऐलान कर दिया है। मोइजू ने कहा है कि हम कोई भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट नहीं कर सकते, हम कोई नई सड़कें नहीं बना सकते, हम कोई यूनिवर्सिटी नहीं बना सकते, कोई नया अस्पताल नहीं बना सकते, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है। दोस्तों, मालदीप सरकार ने इंडिया आउट का नारा लगा के बहुत बड़ा गलती कर दिया है। दोस्तों, याद कीजिए, ये वही देश है जिसके तीन मंत्री बड़े घमंड से इंडिया को गाली दे रहे थे और कहा था भारत को पता नहीं है कि मालदीव क्या चीज है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। लेकिन अब इनकी सारी हेगड़ी निकल गई है। दोस्तों, इसके पीछे भी राज है कि क्यों नहीं है पैसे, इनके पास कारण क्या है। हर जगह 5-स्टार होटल है, हर जगह 7-स्टार होटल है, टूरिस्ट आ रहे हैं, बस दुनिया भर के इंडियंस ही तो नहीं आ रहे। मोइजू ने ये बोल दिया है कि आने वाले 2-3 महीने हमारे लिए सबसे क्रिटिकल टाइम होगा। वह मालदीव के लिए एक बहुत इम्तिहान की घड़ी है और अगर हमने पार कर लिया तो फिर हमारी नई आपार हो जाएगी, वरना हम सब लोग डूब जाएंगे। लेकिन तुम्हारे पास पैसे क्यों नहीं है? क्योंकि कुछ दिनों पहले तो चीन ने तुम्हें भीख दी थी। चाइना ने सोचा कि हम इनकी मदद करते हैं, चलो भीख मांगने आए हैं तो इनकी झोली में कुछ डाल देते हैं। और यही चीन का डेट रैप डिप्लोमेसी है, जिसकी वजह से मोइजू आज की तारीख में प्रो चाइनीज बने हुए हैं। ये बात सच है कि मोइजू बहुत ज्यादा मजबूर हो गया है। मोइजू ने पैसे खा लिए या खुद अपने पैसे सिंगापुर दुबई के बैंकों में डाल दिए जो वह चीन से भीख मांगकर लाया था। मोइजू चीन से लाया हुआ पैसा निगल गया और अब उसको पता नहीं कि मैं क्या करूं, और मोइजू ने हाथ खड़े कर दिए कि मैं कुछ नहीं कर सकता। मालदीव की जनता मोइजू पर भड़की हुई है कि जब तू कुछ कर नहीं सकता तो मालदीव का राष्ट्रपति क्यों बना। एक और बात मैं आपको बता दूं, आपको जानकर झटका लगेगा, आइलैंड फिनोल हो, ये मालदीव के एक आइलैंड का नाम है। ये आइलैंड मालदीव एयरपोर्ट के बिल्कुल साथ में है। मालदीव ने 50 साल के लिए यह टापू चीन को दे दिया है। चीन ने कहा है कि मालदीव में उनका जहाज वैज्ञानिक शोध के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। चीन का शोध जहाज शांगयांग होंग इस हफ्ते मालदीव पहुंचने वाला है, जिसे लेकर भारत चीन और मालदीव में तनाव बढ़ गया है। इसी बीच चीनी विदेश मंत्रालय ने मालदीव के लिए निकले अपने रिसर्च जहाज को लेकर अहम बयान दिया है। यह बयान इसलिए भी अहम है क्योंकि मालदीव की मोहम्मद मोइजू सरकार ने कुछ समय पहले कहा था कि चीनी जहाज उनके समुद्री क्षेत्र में रुककर किसी तरह के रिसर्च का काम नहीं करेगा। सोमवार को चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने कहा, समुद्री क्षेत्रों में चीन के वैज्ञानिक शोध कार्य केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है, जिसका लक्ष्य समुद्र को लेकर मानव जाति की वैज्ञानिक समझ को बढ़ाना है। ये काम समुद्री कानून और संयुक्त राष्ट्र के प्रावधानों का पालन करते हुए किया जा रहा है। सालों से चीन और मालदीव समुद्री वैज्ञानिक शोध में सहयोग करते आ रहे हैं। दरअसल बात यह है कि मालदीव सरकार ने भारत को कहा था कि चीन का जहाज मालदीव टूरिस्ट में आएंगे, लेकिन वह कोई रिसर्च नहीं करेगा। लेकिन अभी बयान में चीन ये बोल रहा है कि चीन का जहाज पूरा समुद्र में रिसर्च करेगा। इस बात को लेकर भारत और मालदीव के बीच और ज्यादा मामला बढ़ गया है, जो कि भारत की हर समुद्री हलचल पर नजर रखने वाले हैं। यानी कुल मिलाकर चीन मालदीव के साथ मिलकर मालदीव के समुद्री पोर्ट का इस्तेमाल भारत के खिलाफ करने जा रहा है। लेकिन जब मालदीव ने भारत के खिलाफ अपने कदम को आगे बढ़ा ही दिया है तो भारत ने भी मालदीव को मुंह हथोड़ जवाब देने की तैयारी कर ली है। इसी बीच खबर सामने निकल कर आ रही है कि भारत की तरफ से 2 बड़े शिप मालदीव की ओर रवाना किए गए हैं, और भारत के लिए एक अच्छी बात है कि श्रीलंका ने इसमें भारत का साथ दिया है और चीन के द्वारा जो जासूसी जहाज मालदीव भेजा जा रहा था उसे श्रीलंका ने अपने बंदरगाह पर रुकने से मना कर दिया, क्योंकि श्रीलंका को यह बात मालूम हो गई थी कि ये जहाज भारत के खिलाफ जासूसी के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला है। लेकिन मालदीव ने अपने टापू को बेचकर बहुत बड़ा गलती कर दिया है। मालदीव ने वही गलती की जो श्रीलंका ने की थी, मालदीव ने वही गलती की जो पाकिस्तान ने की थी, मालदीव ने पूरा टापू चीन को दे दिया। अब इस टापू पर हीरो हीरोइन वाले नहीं जा सकते, इसमें जाएंगे तो सिर्फ चाइनीज जाएंगे और चीन वालों ही इसे कंट्रोल करेंगे। अब अगर मॉडलिंग वालों को जाना है तो चाइना की परमिशन लेनी होगी।
अब आप सोच रहे होंगे कि चीन ने ये टापू क्यों लिया होगा, क्योंकि वह स्ट्रेटेजिक प्लेस है। वहां पर अब चीन की सबमरीन रुकेंगी। ये बेसिकली मालदीव को कंट्रोल करने का तरीका है। दोस्तों, चीन छोटे छोटे मुल्कों को खा जाता है। कोई भी छोटा मुल्क ले लीजिए, जहां पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है, जहां पर राजनीतिक उथल पुथल होती है, वहीं पर चीन इंटरफियर करता है। इसी प्रकार से अफ्रीका के कई देशों को चीन ने अपने बेल्ट एंड रोड के चक्कर में घेरे में ले लिया था, और यही काम वह मालदीव के साथ कर रहा है। दोस्तों, यही चीन की सच्चाई है। 50 साल के लिए मालदीव का आइलैंड निपटा लिया। अगर दूसरी तरफ बात करें भारत की, तो भारत ने इनसे कोई जमीन नहीं ली, भारत ने पैसे भी दिए। सच्चा दोस्त वो होता है जो बुरे वक्त में आपके काम आए, आपको पर्सनली पैसे दे। लेकिन आपके बुरे वक्त में कौन काम आया? जब आपके पास पीने को पानी नहीं था, तब भारत काम आया। आपके पास खाने को खाना नहीं था, आपके पास दवाइयां नहीं थी, तब भारत ने दवाइयां भेजी। जब आपको मिलिट्री की जरूरत थी, तब भारत ने अपनी फौजें भेजी। जब आपको कोरोना वायरस हो गया था, तब भारत ने आपके पास वैक्सीन भेजी। लेकिन अब और क्या दें? दुनिया के लगभग सभी देश अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए कर्जा लेते हैं, फॉरेन डेट से देश में डेवलपमेंट के काम करते हैं, लेकिन मालदीव को यह कर्जा भारी पड़ रहा है। सवाल उठता है कि आखिर मालदीव पर कितना कर्जा है जो उसे डुबोने वाला है। साल 2018 में मालदीव का नेशनल डेट $3.1 बिलियन का था, जो साल दर साल बढ़ता जा रहा है। साल 2022 में ये $7.13 बिलियन अमेरिकी डॉलर हुआ। साल 2023 में ये $7.69 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। 2024 में इसके $0.3 बिलियन होने का अनुमान है, और 2028 तक ये $10 बिलियन अमेरिकी डॉलर को क्रॉस कर जाएगा। मालदीव के डेट क्राइसिस का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि मालदीव पर जो नेशनल डेट है, यानी जो उसकी जीडीपी का है, वह यमंत्रो 10% जीडीपी से भी ज्यादा है, और 2024 में उसके यानर ये 11% को क्रॉस करने का प्रिडिक्शन है। तो मालदीव की इकोनॉमी कितनी क्रिटिकल स्टेज में पहुंच चुकी है, अब इसका अंदाजा वहां के प्रेसिडेंट मोहम्मद मोइजू के बयान से पता लगा सकते हैं। उन्होंने बयान दिया, उनकी गवर्नमेंट देश में कोई भी नया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट नहीं शुरू कर सकती, क्योंकि देश भारी कर्जे में डूब गया है। दोस्तों, वर्ल्ड बैंक से लेकर IMF ने मालदीव को इस खतरे के बारे में क्यों अलर्ट जारी किया है? वर्ल्ड बैंक ने चेतावनी दी है कि मालदीव को चीन से जो करीबी है, चीन से जो दोस्ती है, वो बहुत भारी पड़ सकती है। एंटी भारत सेंटीमेंट रखने वाले मोइजू इसके बाद भी जनवरी में चीन विजिट पर गए और कई प्रोजेक्ट्स को लेकर डील साइन कराए। ठीक है भाई, जब तुम्हें ही अपने देश की फिक्र नहीं है तो हमें क्या है? पढ़ो चीन के चक्कर में, श्रीलंका की तरह जब चक्कर घिन्नी में फंस गए बेटा, तो भारत ही काम आएगा, जैसे श्रीलंका को आ रहा है। और वैसे एक बात और बता दूं आपको कि अब जब मालदीव चीन के नजदीक गया है, तब वह डेप्थ क्राइसिस में फंसा है। फिलहाल देखा जाए तो श्रीलंका भारत के साथ है, क्योंकि उसे चीन के साथ हाथ मिलाने की गलती का अंजाम पता चल चुका है। इसलिए भले ही श्रीलंका छोटा सा देश है, लेकिन वह भारत की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। और हाल ही में चीन के एक जासूसी जहाज को हिंद महासागर से होते हुए मालदीव भेजा गया है।